डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ, बाजार से भी अच्छी, खाने में बहुत ही लाजवाब और बनाने में सिर्फ 5 मिनट। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप एक बार बनाएंगे तो कंटेनर में भर के कई दिन तक इसे खा सकते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है नमकीन, वो भी बहुत टेस्टी। खट्टा मीठा पोहा नमकीन बनाने के लिए ये हमने 2 मुट्ठी पोहा लिया है, करीब 1 बाउल, और ये मैंने लिया है 2 चम्मच शुगर, ये आइसिंग शुगर है, बूरा चीनी भी आप ले सकते हैं, और ये मैंने 1/2 बाउल लिया है सेव, ये बेसन की सेव है, और ये मैंने थोड़ा सा चिप्स लिया है, चिप्स को मैंने क्रश कर लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में, ये मैंने फ्लेवर के लिए लिया है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर, नट्स के अंदर मैंने ये लिया है किशमिश, करीब 25 से 30 दाने किशमिश के हैं। ये है नारियल, इसको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया, ये सूखा नारियल है, और ये मैंने लिए हैं 10 से 12 काजू, इसको हाफ हाफ मैंने कर लिया है, 10 से 12 बादाम की गिरियां, इसे भी मैंने हाफ हाफ कर लिया है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने मैगी मसाला लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने 1/2 से कम बाउल लिया है मूंगफली, ये मैंने फ्राइड मूंगफली लिया है मसालेदार, आप चाहे तो कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं, उसे आप फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा डालूंगी, ये आमचूर पाउडर लिया है, ये भी हल्का सा डालूंगी क्योंकि मैंने खट्टा मीठा बनाना है पोहा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने दें। सबसे पहले हम पोहे को फ्राई करेंगे, लेकिन पोहे को फ्राई करने के लिए तेल हमें पूरी तरह से गर्म चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम इस तरह से छन्नी रखेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा पोहा डालेंगे, डाल के देखेंगे, आप देख रहे हैं कि पोहा एकदम से ऊपर आ गया है, इट मीन्स कि हमारा तेल जो है वो गर्म है। इस तरह से हम इसके अंदर पोहा डालेंगे, 1 मुट्ठी पोहा मैंने डाल दिया है, आप देख रहे हैं कि पोहे की आवाज कैसी आ रही है, बिल्कुल ये अच्छे से एकदम फ्राई हो गया है। इसी तरह से हमने फ्राई करना है छन्नी के अंदर, अगर हम तेल के अंदर डाल देंगे तो इसे इकट्ठे करते करते ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, इसी तरह से हम बाकी का पोहा भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको डालना है। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, मैं गर्म तेल ले रही हूँ जिसमें मैंने पोहे को फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा हमने तेल नहीं लेना ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमने पोहा भी फ्राई किया है। आप चाहें तो पोहा रोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते तो आप रोस्ट कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम नारियल को फ्राई कर लेंगे, ये जो हमने सूखा नारियल लिया है इसे हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। मैं सारा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, इसके अंदर काजू, बादाम, किशमिश मैं बाद में डालूंगी, और मूंगफली जो है वो डालने की जरूरत नहीं है, वो बाद में डाल लेंगे क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी फ्राइड ली है। अगर आप मूंगफली कच्ची लेते हैं तो आप उसे भी साथ ही फ्राई कर सकते हैं, उसे सबसे पहले आपने डालना है अगर आप मूंगफली लेते हैं तो। हल्का सा इसे फ्राई करूंगी मैं तेल के अंदर, तेल बहुत कम है आप देख रहे हैं, फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, आप देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, इसके अंदर डालेंगे पोहा जो कि मैंने फ्राई किया हुआ है, फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दी है, आप देख रहे हैं कि पोहा जो है वो हल्का हल्का येलो हो गया है, कलर बहुत ही अच्छा आया है इसमें, और हमारा ड्राई फ्रूट भी है वो भी ब्राउन हो चुका है इसके अंदर, कितना क्रिस्पी बना है ये, कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है, क्रिस्प की आवाज़ आई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मैगी मसाला, शुगर, ये मैंने डाल दिया है सेव, चिप्स, किशमिश, मूंगफली, थोड़ा सा हम डालेंगे आमचूर पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करना है, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, ये हमारा खट्टा मीठा पोहा नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा। आप इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हमारी बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पोहा नमकीन खट्टा मीठा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है, और आपने देखा है कि इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पोहा चिड़वा जो होता है ये सबके घर में तकरीबन होता ही है, आप किसी भी टाइम इसी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई करके या रोस्ट करके नमकीन बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।